नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का हमारे YouTube चैनल MLM ऑडियो बुक्स पर। बनिए सोशल मीडिया मिलेनियर बाय दीपक बजाज। अध्याय 5, अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं। यह आपके बारे में नहीं है, यह तो आपकी ऑडियंस के बारे में है। ये शब्द रिया फ्रीमैन द्वारा कहे गए हैं। आपकी प्रोफाइल वह पहली चीज है जिस पर लोग आपके पेज पर आते समय गौर करते हैं। यह आपके शोरूम की तरह है, शायद आपके शोरूम के प्रवेश द्वार की तरह है। आपकी प्रोफाइल आपकी पहली छाप है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपको पहली छाप छोड़ने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। जब लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आते हैं तो वे आपकी प्रोफाइल को कुछ सेकंड देखकर ही आपको फॉलो करने या न करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए आपकी प्रोफाइल पेशेवर और आकर्षक होनी चाहिए, तथा इस अध्याय में आप यही सीखेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप मीटिंगों में कैसे जाते हैं? अच्छी पोशाक में तैयार होकर, पूरे साजो सामान लेकर और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत हाइजीन के साथ। यही आपकी प्रोफाइल के बारे में सही है। आपको इसे सावधानी से इस तरह बनाना चाहिए ताकि यह आपके और आपके ब्रांड मूल्यों के बारे में वैसी ही पहली छाप छोड़े जैसी आप छोड़ना चाहते हैं। आपकी प्रोफाइल को एक नज़र देखने भर से लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। आपकी प्रोफाइल बनाते समय कृपया यह बात याद रखें कि आजकल लोगों का ध्यान बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा भटकता है। सैकड़ों मोबाइल नोटिफिकेशन आते रहते हैं और लैपटॉप में लगातार मल्टीटास्किंग चलती रहती है। इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल के हर विवरण की योजना बहुत सोच समझकर बनानी चाहिए ताकि यह प्रभावी और आकर्षक दिखे। इससे लोगों को आपके बारे में तुरंत निर्णय लेने में मदद मिलनी चाहिए। आपका लक्ष्य आपकी प्रोफाइल को इस तरह बनाना है कि लोग इस पर क्लिक करना चाहे, आपके बारे में ज्यादा जानना चाहे और बाद में आपके मित्र या फॉलोअर बनना चाहे। जैसा सोशल मीडिया की हर चीज के साथ है, प्रोफाइल बनाने के भी असंख्य तरीके हैं और उनमें से कोई भी सही या गलत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप खुद के अनूठे अंदाज में अपनी प्रोफाइल बनाएं, लेकिन मैं आज आपको प्रोफाइल बनाने के कुछ आसान मार्गदर्शक सिद्धांत बताना चाहता हूं, जिससे आपको सही लोगों को आकर्षित करने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिले। इस पुस्तक से सीखी बातों में जब आप अपनी सृजनात्मकता और खुद की अनूठी शैली जोड़ देंगे तो मुझे यकीन है कि आप डायमंड की तरह जगमगाने लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बिक्री का KLT नियम याद होगा। यह पुस्तक और मेरे सभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको इस बुनियादी नियम का पूरा लाभ लेने में सक्षम बनाते हैं। लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, पसंद करते हैं और विश्वास करते हैं। इसलिए अपनी प्रोफाइल इस तरह बनाए कि इससे लोग आपको जान सके, पसंद कर सके और आप पर विश्वास कर सके। मैं जानता हूं कि ज़्यादातर डायरेक्ट सेलर्स या बिजनेस पार्ट टाइम करते हैं और उनकी पूर्णकालिक नौकरी या पेशा कुछ और होता है। 2007 में मैंने भी यह बिजनेस इसी तरह शुरू किया था। इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल बनाने का मार्गदर्शन देते समय मेरे दिमाग में आपके लिए दो उद्देश्य हैं। पहला, आपकी प्रोफाइल को आपकी नौकरी पेशे को खतरे में नहीं डालना चाहिए। नंबर दो, आपकी प्रोफाइल को सही लोगों को आकर्षित करने तथा रोक कर रखने में मदद करनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके। आप आज जो सीखेंगे उससे आप प्रोफाइल में इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर सकते हैं। इस बुनियादी स्पष्टता के साथ आइए आपकी प्रोफाइल के अलग अलग पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। पहला, प्रोफाइल पिक्चर। आपके सोशल मीडिया पेज पर आने वाले लोग सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर पर ही गौर करते हैं। मेरी सलाह है कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए अपना अकेले का फोटो चुनना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर में आपको अपनी हाल की यात्रा, हॉबी, शौक, परिवार, मित्र या गेट टुगेदर नहीं दिखाना चाहिए। यह आप और सिर्फ आप होना चाहिए। आप अपने अकाउंट का चेहरा हैं और लोग यही देखना चाहते हैं। सादे या न्यूनतम बैकग्राउंड वाला फोटो चुनें। अगर आपके पास इस वक्त ऐसा फोटो नहीं है तो किसी से खिंचवा लें। स्टूडियो फोटो अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये अच्छे रेजोल्यूशन वाला, स्पष्ट दिखने वाला क्लोजअप होना चाहिए। मेरी सलाह है कि आप सही तस्वीर अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाएं। फोटो अपलोड करने के बाद कृपया यह जाँच करना न भूलें कि फोटो आपके पेज पर सचमुच कैसा दिख रहा है। मनचाहा फिट करने के लिए इसे जूम या क्रॉप करें। नंबर दो, कवर पिक्चर।
कवर पिक्चर वह सबसे बड़ा दिखने वाला स्थान है जिससे आप अपने पेज पर संसार को यह दिखाते हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। कुछ लोग इसे बैनर इमेज भी कहते हैं। लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कवर पिक्चर का विकल्प होता है, सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं होता, जिसके अनूठे फीचर को हाइलाइट्स कहा जाता है। हालांकि आपको अपनी प्रोफाइल की तस्वीर बार बार नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी कवर पिक्चर समय समय पर बदलते रहना चाहिए। आपकी कवर पिक्चर संसार के सामने आपके ब्रांड की घोषणा करती है और लोगों को तुरंत जानकारी देती है कि आप क्या करते हैं एक पंक्ति के साथ। हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इसलिए अपनी कवर पिक्चर उसी अनुरूप बनाएं। कवर पिक्चर के माध्यम से बताएं कि आप क्या करते हैं, आप किस बारे में जोशीले हैं, आप किस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, या एक प्रबल कारण कि लोगों को आपको फॉलो क्यों करना चाहिए। यह दरअसल लोगों को आकर्षित करने, बातचीत शुरू करने और उन्हें अपनी प्रोफाइल से जोड़ने रखने का हुक है। पंक्ति हो या न हो, लैंडस्केप चित्र कवर इमेज के रूप में आदर्श काम करता है। आप अपनी खुद की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने ब्रांड वैल्यू को प्रदर्शित करने वाली किसी दूसरी तस्वीर या आइकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 3, स्क्रीन नेम या यूजर नेम। हर प्लेटफॉर्म के लिए यह आवश्यक है कि आपका एक यूजर नेम या स्क्रीन नेम हो जो आमतौर पर हर सर्च में दिखता है और आपके नाम के साथ आपकी प्रोफाइल पर नजर आता है। एक अच्छा यूजर नेम चुनें जो आपके काम से मेल खाता हो और जिसे याद रखना आपकी ऑडियंस के लिए आसान हो। सिर्फ सृजनात्मकता दिखाने के चक्कर में कोई विचित्र नाम न रखें। ऐसा यूजर नेम चुनें जिस पर आप कुछ महीनों या वर्षों बाद अफसोस न करें जब आपका ब्रांड ज्यादा बड़ा बन जाए। नंबर 4, अबाउट सेक्शन या जीवनी। आपकी बायो या अबाउट सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वह जगह है जहां आप अपनी ब्रांड वैल्यू लिखते हैं और यह भी कि आप लोगों के मूल्य को कैसे बढ़ाते हैं। इसमें आमतौर पर दो बुनियादी जानकारियां रहती हैं। पहला, आप कौन हैं। नंबर 2, किसी को आपको फॉलो क्यों करना चाहिए। पहले प्रश्न के लिए उन्हें एक दो लाइनों में बता दें आप क्या करते हैं या आप किस में विश्वास करते हैं और आप दूसरों के मूल्य में कैसे वृद्धि कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न में आपके शहर, पेशे, डिग्रियां, शिक्षा आदि से ज्यादा लिखने की जरूरत होती है। आपको एक प्रबल कारण देना चाहिए कि लोग आपको फॉलो क्यों करें। हम यह तो नहीं चाहते कि पूरा संसार आपको फॉलो करे, लेकिन हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको फॉलो करे और यह खंड आपके काम को इस तरह से पेश करता है कि उन्हें आपको फॉलो करने और आपसे जुड़े रहने का कारण पता चल जाता है। हम सभी उन लोगों को याद रखते हैं और उनसे जुड़ते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनके जीवन मूल्य हमारे मूल्यों के अनुरूप होते हैं या जिनकी समान रुचियां, शौक होते हैं जो भविष्य में हमारी सहायता कर सकते हैं। इसलिए आप जिससे भी अच्छे हो और आप जिसका भी प्रचार करना चाहते हो, यहाँ उसका संक्षिप्त जिक्र करें। लेकिन यह स्वर्णिम नियम न भूले कि अगर आपका लक्ष्य लोगों को अपने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में रिक्रूट करना है, तब भी अपनी जीवनी में डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र न करें। लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जीवनी की एक शब्द सीमा होती है जिनका पालन करें। शब्द सीमा न हो तब भी आपको SIP फॉर्मूले पर चलना चाहिए, शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और प्रिसाइज। अपनी शिक्षा व नौकरियों सहित पूरी फील्ड्स भरें, खास तौर पर लिंक्डइन पर। बेहतरीन प्रोफाइल के लिए 4 विशेषज्ञतापूर्ण टिप्स। पहला, कभी न भूले कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल लोगों को अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रिक्रूट करने के बारे में नहीं है, यह तो संबंध और बातचीत शुरू करने के बारे में है। उचित प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद ही आपको अपने प्रोडक्ट्स या व्यावसायिक अवसर का प्रस्ताव रखना चाहिए। इस बारे में मैं सोशल मीडिया सेल्स फनल वाले अध्याय में ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा। नंबर 2, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक दूसरे के लिंक देकर उनका प्रचार करें। नंबर 3, अपनी प्रोफाइल के सभी खंड पूरे भरें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में परिस्थितियां बदलने पर इसे अपडेट करते रहें। नंबर 4, इनकॉग्निटिव मोड का इस्तेमाल करते समय अपनी प्रोफाइल देखें ताकि आपको यह पता चल सके कि यह आपकी ऑडियंस को कैसी दिखती है। इस अध्याय में सीखी बातों के आधार पर आज ही अपनी वर्तमान प्रोफाइल की समीक्षा करें और उसमें आवश्यक परिवर्तन करें। बेहतरीन जुड़ाव की कामना करता हूं। मैं 3 नियमों पर चलता हूं। सही चीज करें, सर्वश्रेष्ठ काम करें जो आप कर सकते हैं उसे, और हमेशा लोगों को दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। ये शब्द लाओ होल्टर्ज द्वारा कहे गए हैं।
याद रखें और बताएं। आपकी प्रोफाइल आपकी पहली छाप है और लोग आपकी प्रोफाइल देखकर ही आपके बारे में बहुत से निर्णय ले लेते हैं। आपका लक्ष्य प्रोफाइल को इस तरह बनाना होना चाहिए कि लोग क्लिक करना चाहें, आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहें और बाद में आपके मित्र या फॉलोअर बनना चाहें। आपको अपनी जीवनी अबाउट में एक प्रबल कारण देना चाहिए कि लोग आपको फॉलो क्यों करें। आपको अपनी जीवनी में कभी अपनी कंपनी का नाम नहीं डालना चाहिए। आपकी प्रोफाइल साइनअप करने या लोगों को नियुक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि जुड़ाव या बातचीत शुरू करने के लिए है, आपके करने के लिए जरूरी काम। अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी प्रोफाइल की समीक्षा करें और इस अध्याय में सीखी बातों के आधार पर उन्हें तुरंत अपडेट करें।